हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि यहां पे बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना, प्रीवियस ईयर के पेपर में। ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो दो क्वेश्चन है, ठीक ना, और ये बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 को देने वाले हैं तो ठीक ना, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई साल से रिपीट किए गए हैं। अगर आप वाकई में बोर्ड के पेपर में 90% प्लस आप स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही आसान माध्यम से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की बीमाएँ ज्ञात करिए। यहाँ पे देखो अर्ध परिमाप दिया गया है, इस क्वेश्चन का ये मेन यहाँ पे मुद्दा है, यही जान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे समझ सकती हो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक ना, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप पहले समझिए कि एक आयताकार बाघ है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, इस बाघ का आपका चौड़ाई यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक ना, मान लेना है, ठीक ना, कि आप मान लो कुछ भी, ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आयताकार जो बाघ है उसकी भी माए एक्स वाई, ठीक ना। हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर कि माना, ठीक ना, माना बाघ की लंबाई, ठीक, चीज़ों को आराम आराम से लिखेंगे, माना बाघ की लंबाई बराबर एक्स मीटर, ठीक, और चौड़ाई वाई मीटर है, इतनी चीज़ आप मान लो, ठीक। अब यहाँ पे लिखोगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, इसी तरीके से आपको एग्जाम में हल करना है, ठीक ना। प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहे हैं कि जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जबकि बाघ की लंबाई है, यहाँ पे लिखो कि बाघ की लंबाई, जो आपकी बाघ की लंबाई है वो क्या है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर अधिक है। तो या तो इस 4 मीटर अधिक में माइनस कर दो 4, या चौड़ाई में आप 4 जोड़ दो, चाहिए हम चौड़ाई में 4 जोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखो बाघ की लंबाई क्या माने हो x और चौड़ाई क्या माने हो y, तो x बराबर y प्लस 4, ठीक। इसको आप पलट के लिख दो, x माइनस वाई बराबर 4, इसको आप इक्वेशन पहला मान लो इस तरीके से, ठीक। अब चलिए इसको अब यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहे हैं कि जो उसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर है, क्या है अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। यहाँ पे लिखोगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। अब देखो चूंकि बाघ कैसा है आयताकार, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 × x + y, चूंकि अर्ध परिमाप है तो इसका अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा कितने में से 2x + y में से, ठीक, इतना ये आपका हो जाएगा 36। गुणा कर लो यहाँ पे, देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे देखो x + y बराबर क्या हो जाएगा 36, और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, जोड़ दो दोनों इक्वेशन को, आइए हम जोड़ते हैं, x - y = 4 और x + y = 36, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस, ये भी आपका प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 2x = 40, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 20। एक्स का मान क्या आ गया 20। अब देखो एक्स का मान समीकरण 1 में या 2 में या किसी में भी रख दो, एक्स का मान यहाँ पर लिखोगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान यहाँ पे 20 रख दो, क्या होगा 20 - y = 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 16।
ठीक, वाई बराबर 16 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20। तो देखो हमने क्या माना था, बाघ की लंबाई एक्स माना था, तो बाघ की लंबाई हमारी 20 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए, ठीक ना। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसको भी हम ध्यानपूर्वक हल करेंगे, ठीक ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे कि माना दो संख्याएँ एक्स और वाई है। यहाँ पे लिखोगे माना दो संख्याएँ एक्स व वाई है। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पे 26 दिया गया है, तो दोनों का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 26, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एक संख्या दूसरी संख्या यानी कि एक्स जो है दूसरी संख्या यानी कि वाई की क्या है 3 गुनी है। पहली संख्या एक्स जो है वाई की क्या है 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर दो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 वाई। ये इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब एक्स का मान इसमें रख दो, ठीक। यहाँ पे लिखोगे कि एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, आइए रखते हैं, ये कितना हो जाएगा 3y-y बराबर 26। क्या हो जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा आपका 13। अब देखो y का मान यहाँ पे रख दो, तो x का मान क्या आ जाएगा x बराबर 3 × 13 हो जाएगा यानी कि 39। तो यहाँ से देखो, अतः यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर 39 और y बराबर यहाँ पे 13, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, संख्याएं निकल के आ गई, यही आपके यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे हल करना होता है। पेपर में भी आपको सेम टू सेम यही रूल अपनाएंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने पड़ोसी में शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।